और इधर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बने हैं सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री। छोटे भाई को भी मिला है रक्षा मंत्रालय का दायित्व। प्रधानमंत्री के रूप में MBBS की नई भूमिका में विदेशी दौरों में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करना और देश की तरफ से आयोजित होने वाले सम्मेलनों की अध्यक्षता करना शामिल होगा। आपको बता दें, MBBS के छोटे भाई और पूर्व उप रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान को अब देश का रक्षा मंत्री बनाया गया है। वही अरब जगत के सबसे बड़े नेता सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब मुल्क के नए प्रधानमंत्री कहलाएंगे। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे और उत्तराधिकारी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किंगडम का नया प्रधानमंत्री और अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री घोषित किया है। वहीं पर एक बता दें आपको कि शाही आदेश में इसकी जानकारी मिली और इसे फेरबदल में सऊदी किंग के एक और बेटे प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान भी शामिल है, जिन्हें देश का ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। बता दें, सरकारी न्यूज एजेंसी स्पा के मुताबिक शाही हुक्मनामे के किंग सलमान ने कई नए पदों की घोषणा की। विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद, वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान और निवेश मंत्री खालिद अल फली अपने पदों पर बने रहेंगे। वहीं पर MBBS मोहम्मद बिन सलमान को रक्षा मंत्री से पदोन्नति देकर प्रधानमंत्री बनाया गया है। वही सऊदी अरब के वास्तविक शासक है और उन्हें खाड़ी देशों के सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब मिडिल स्ट्रीट में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है। वही रक्षा आत्मनिर्भरता 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। एक सऊदी अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के रूप में MBBS की नई भूमिका में विदेशी दौरों में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करना और देश की तरफ से आयोजित होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता करना शामिल होगा। आपको बता दें, MBBS के छोटे भाई पूर्व उप रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान को अब देश का रक्षा मंत्री इसलिए बनाया गया है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि देश ने सैन्य उद्योगों में अपनी आत्मनिर्भरता को 2% से बढ़ाकर 15% कर दिया है और नए रक्षा मंत्री के तहत इसके 50% तक पहुंचने की योजना भी बनी है। कैबिनेट बैठक की अक्षरता करेंगे किंग सलमान। वहीं पर शाही आदेश के अनुसार किंग सलमान अभी भी कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिनमें वो हिस्सा लेंगे। सरकारी टीवी पर उन्हें साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने देखा गया है और इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के संरक्षक 86 साल के किंग सलमान 2 साल क्राउन प्रिंस के पद पर रहने के बावजूद 2015 में शासक बने थे। पिछले 2 साल में उन्हें अलग अलग बीमारियों के चलते कई बार अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था।